हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। कटहल को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके लिए इसका मसाला रेडी कर देंगे। इसके लिए देखिए, मैंने अदरक लहसुन को छील कर रेडी कर रखा। अब इसको कटोरी में डाल के एक पानी से निकाल लेंगे। इसको धो के मिक्सी जार में डाल देंगे। अदरक लहसुन थोड़ी ज़्यादा ही लेना चाहिए इस कटहल के लिए, बिल्कुल मटन को स्वाद आ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कुछ मसाले, धनिया, जीरा, कुछ सूखी मिर्च। अब इसमें कुछ खड़े मसाले, इसको हम मटन के स्वाद वाले बना रहे तो इसमें हम मसाले भी उसी हिसाब से डाल देंगे। अब इसी यहीं पर हम डाल देंगे कुछ तेज़पत्ता। अब इसमें हम पीसने के लिए डाल देंगे पानी। अब इसमें मैंने कुछ टुकड़े कच्चे हल्दी के काट के इसमें मैंने डाल दिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मसाले की पेस्ट हमारी रेडी हो गई। अब इधर हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों के तेल। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। सरसों के तेल अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। जब तक धुआं निकलने ना लग जाए तब तक कोई भी चीज़ नहीं बनाना, नहीं तो इसकी कड़वा से बदबू आ जाएगी। तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कटहल। ये कटे हुए कटहल के टुकड़े डालकर हम इसको चलाएंगे। लगातार चलाते हुए इसको कढ़ाई के चारों तरफ फैला देंगे। दो दो मिनट में चलाते रहेंगे जब तक इसकी कलर चेंज ना हो। देखिए, हल्का ब्राउन कलर आ गया। ये हमारे कटहल तल कर रेडी हो गई। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह साइड में लेंगे, साइड से इसे दबाते हुए धीरे धीरे करके इस कटहल को निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो भी है कढ़ाई में ही रह जाए। इसी तरीके से हम ये सारे कटहल को निकाल लेंगे। बचे हुए इसी तेल में हम बचे हुए और कटहल को भी हम यहीं पे डाल देंगे। इसको भी इसी तरीके से हम इसको तल लेंगे। देखिए, दूसरी प्याज को हमने तल लिया अच्छे से। अब उसी तेल में हम सब्जी बनाएंगे। इसमें हम दो चार दाने जीरे के डाल चटका लेंगे। थोड़े से अजवाइन को भी हम चटका देंगे। अब इसमें हम दो बड़े प्याज को मैंने काट के रखा था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके कलर चेंज होने तक इसको हम भुनेंगे। देखिए, प्याज की कलर चेंज हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसालों की हमने पेस्ट बनाई थी, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। देखिए, अब इस मिक्सी जार में थोड़ी सी पानी डालकर इस मसाले को, सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहीं पर हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। मसाले के साथ साथ टमाटर भी गल जाएगी, मसाले भी हमारा भून जाएगा। अब यहाँ पर हम नमक को डाल देंगे टमाटर गलाने के लिए। इसको लगातार भूनते हुए हम टमाटर गलने तक हम इसको भूनेंगे। देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए, हमारे मसाला भी भून गया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ मसाले। इसके लिए आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च लिया जो कलर अच्छा आता है कलर के लिए, और आधा चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच से थोड़े कम है मटन के मसाले लिए मैंने, मटन मसाला। अब थोड़ी सी हल्दी, हल्दी हमने वैसे पीस भी रखा है पेस्ट में, फिर भी कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं। इसको अच्छे से चलाते हुए दो चार मिनट फिर से भून लेंगे। थोड़े से पानी डालकर इसको हम फिर से भून लेंगे दो चार मिनट तक। देखिए, दो चार मिनट हो गए, हमारे मसाले रेडी हो गए। अब हम जो तल के रखे हुए कटहल थे उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इन कटहल को अच्छे से इस मसालों में हम मिक्स कर लेंगे। इस कटहल को हम अच्छे से मिक्स करके ढककर 5 मिनट के लिए हम भूनने छोड़ देंगे।
ढककर आप 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गई है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। कितनी ग्रेवी चाहिए आपको, किस तरीके से पतला मोटा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने मसाले भूनते समय भी डाल रखा है, इसलिए उसी हिसाब से डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे, नहीं तो आप इस समय इसको सबको आप कुकर में डाल के 2 सीटी भी लगा सकते हैं, नहीं तो कढ़ाई में आप लो फ्लेम में 20 मिनट के लिए पकने छोड़ दीजिए। देखिए 20 मिनट हो गई है, बढ़िया सा कटहल बनकर रेडी हो गया। और देखिए अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कटहल बना के खाएंगे तो आप मटन खाना भूल जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन भी हो तब भी आपको पता चल जाएगा मटन के स्वाद कैसा है। बहुत ही टेस्टी कटहल बनकर रेडी हो गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट बन गया कटहल हमारे, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से बनाने में थोड़ी सी समय लगता है, लेकिन स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है। धन्यवाद।